नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये 0 से 3 मंथ बेबी के लिए कैप बनाना सिखाऊंगी। तो मैं आपको कैप सिखाऊंगी पर्पल कलर से और ऑरेंज कलर, ये दो कलर से मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी। तो हम पर्पल कलर से स्टार्ट करते हैं कैप बनाना, और इसके लिए मैंने ले रखा है ये 11 नंबर का क्रोशिया। तो हम सबसे पहले बनाएंगे मैजिक चेन। इस तरीके से मैजिक चेन बना लेनी है। इसके बाद हमने एक चेन हमारी यहीं पे बन जाती है, तो हम लेंगे दो चेन लेंगे, एक दो, फिर हमने डबल क्रोशिया करने हैं 7, एक दो, 7 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब इसके बाद हम ये छोटा वाला तक ऐसे खींच लेंगे टाइट, फिर हम ये फर्स्ट चैन में जोड़ लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने जोड़ लेना है। फिर हमने 3 चैन लेनी है, 1 2 3। फिर हर चैन में हमने दो दो डबल क्रोशिया करने हैं, दो दो, एक, इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया करना है हमने, दो। इसी तरीके से हर फंदे में हमने दो दो डबल क्रोशिया करना है, एक, इसी फंदे में एक और दो, पूरे राउंड में दो दो डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने कर लिया है, हर फंदे में दो दो डबल क्रोशिया। फिर हम ये यहाँ पे फिर से हम उसी तरीके से जोड़ लेंगे पहली चैन में। अब हमने फिर से 3 चैन लेनी है, 1 2 3। फिर हमने पहले फंदे में हमने एक डबल क्रोशिया करना है, एक, दूसरे फंदे में दो डबल क्रोशिया करेंगे, एक कर लिया ये, इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया करेंगे, दो। सेम इसी तरीके से पूरे राउंड में करना है, पहले में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चैन में दो डबल क्रोशिया, एक ही फंदे में दो। सेम यही करना है पूरे राउंड में। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर फिर से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। अब हमने फिर से 3 चैन लेनी है, 1 2 3। पहले फंदे में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक, दूसरे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया करना है, तीसरे फंदे में हमने करने हैं दो डबल क्रोशिया, एक, इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया, पूरे राउंड में सेम यही करना है। पहले में एक डबल क्रोशिया, दूसरे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे फंदे में दो डबल क्रोशिया। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब हम यहाँ पर फिर से जोड़ लेंगे। अब हमने करना है, अब हमने 3 चैन लेनी है, 1 2 3, और पहले फंदे में एक डबल क्रोशिया करना है, दूसरे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया करना है, तीसरे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया करना है, तीन फंदों में हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है, और चौथे फंदे में हमने दो डबल क्रोशिया करना है, एक, इसी फंदे में एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम, दो। सेम यही पूरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक करना है, तीन में एक एक डबल क्रोशिया और चौथे फंदे में दो डबल क्रोशिया। ये मैंने बना लिया है यहाँ तक, कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर फिर से जोड़ लेंगे। फिर से हमने 3 चैन लेनी है, यहाँ पर फंदे बढ़ रहे हैं, 1 2 3। फिर हम पहले में एक डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया करेंगे, तीसरे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया करेंगे, चौथे फंदे में भी एक डबल क्रोशिया करेंगे, पांचवे फंदे में हमने करने हैं दो डबल क्रोशिया, एक कर लिया, इसी फंदे में एक और करेंगे, दो। सेम यही पूरे राउंड में करना है। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। फिर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। फिर 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3। अब हमने 5 फंदे में एक एक डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5, और छठे फंदे में हमने करने हैं दो डबल क्रोशिया, एक, इसी फंदे में एक और। सेम यही हमने पूरे राउंड में करना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे।
यहाँ पे टोटल हो गए हैं 51 फंदे, 51। अब हम एक दो तीन चैन लेंगे। अब हमने हर फंदे में एक एक ही डबल क्रोशिया करना है, दो ऐसे हर फंदे में हमने एक एक ही डबल क्रोशिया करना है। एक एक करने के बाद यहाँ पे जोड़ना है, फिर तीन चैन ले लेनी है। ऐसे ही हमने 6 राउंड तक सेम इसी तरीके से करना है, जब तक 6 राउंड नहीं हो जाते। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 राउंड तक हमने एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे ऑरेंज धागा, ये लगा लिया मैंने ऑरेंज धागा। अब हमने लेनी है यहाँ पे तीन चैन लेनी है। तीन चैन ले लिए। इसके बाद हमने करना है जो ये वाला डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया में इस तरीके से हमने लेना है फंदा और यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देना है। दो फंदे मारने हैं, फिर दो फंदे, फिर दूसरा फंदा हमने ये क्रोशिया में घुमाना है। दूसरा फंदा जो ये डबल क्रोशिया है, ये हमने इधर पीछे साइड से इस तरीके से लेना है, ऐसे निकालना है तागा। यहाँ पे भी डबल क्रोशिया कर देना है, दो एक बार मारने फंदे, दो एक बार, एक बार हमने पीछे साइड से, एक बार हमने आगे साइड से करना है। ये अब हमने आगे साइड से करना है। फिर हमने जो ये डबल क्रोशिया है इसको ऐसे पीछे साइड से लेना है। इस तरीके से हमने पूरा राउंड करना है, एक में आगे से, एक हमने पीछे से लेना है। इस तरीके से डबल क्रोशिया सेम यही पूरे राउंड में करना है। ये मैंने बना ली पूरी लाइन। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जोड़ लेना है, ये जो ऊपर पहला फंदा है यहाँ पे हमने जोड़ लेना है इसको ऐसे। फिर हमने तीन चैन लेने, एक दो तीन। फिर हमने करना है जो आगे साइड का है, हमने ये आगे से ही लेना है इस तरीके से, और जो पीछे साइड का है ये इधर, उसको हमने पीछे साइड से ही ऐसे लेना है। यही ऐसे ही हमने 2 राउंड और बनाने हैं टोटल। हमने यहाँ पे 3 राउंड की पट्टी बनानी है। ये टोपी मैंने बना दी है, कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे यहाँ और यहाँ दो पॉम पॉम लगाएंगे। तो मैं पॉम पॉम बनाना सिखाती हूँ आपको। इतना बड़ा तागा रखना है यहाँ पे और ये घुमाना है हमने ऐसे इस तरीके से, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ये तागा मैंने 50 बार घुमा लिया है। अब इसको हमने यहाँ पे ऐसे बांधना है बीच में इस तरीके से, टाइट बांध लेना है हमने इधर साइड घुमा के भी। ये मैंने बीच में बांध लिया है। अब हमने ये धागे यहाँ से बीच से कट कर लेना है इस तरीके से, इधर साइड से भी कट कर लेंगे हम ये। अब हमने ये तागे ऐसे बराबर कट कर लेने हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने बराबर तरीके से कट कर लेना है। मैंने दो पॉम पॉम एक इधर बराबर एक सीध में लगा लिए हैं। तो ये कैप बन के तैयार हो गया है। थैंक यू। आपको ये कैप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।